आज से कुछ माह पहले वीवो ने अपने वाई सीरीज के ना 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, जिसमें सबसे पहले Y33 आया था, फिर Y33T आया था, फिर Y33S आया था। अब इनका भी एक सक्सेसर आना है जो कि Y35 होने वाला है। इन सारे स्मार्टफोन का ये सक्सेसर होगा, लेकिन इसमें मुझे कोई भी वाजा फर्क देखने को नहीं मिला। आज की वीडियो में यही सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। ये स्मार्टफोन कब आएगा, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, उसकी प्राइस क्या होगी, और आज वैसे भी हम आउटडोर आए हुए हैं तो भाई हमारा मूड बहुत अच्छा है, तो आज आपको अच्छी अच्छी खबरें बताने वाला हूँ कि फोन पाकिस्तान में कब लॉन्च होने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले अगर डिजाइन की बात करूँ तो डिजाइन में मुझे इतना कोई मेजर अपग्रेड देखने को नहीं मिला। जैसे वीवो करता है ना अपने पुराने बहन भाइयों के जिनके मोबाइल फोन होते हैं ना उनका सेम छापा लगाता है, तो इसमें भी सेम छापे वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। ऐसा डिजाइन हमने वीवो Y55 में देखा जो कि रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया। बड़े बड़े कैमरा लेंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इसमें भी बड़े बड़े कैमरा लेंस वैसे प्रोवाइड किए गए। बाकी बैक सही वही चिपका के दे दी गई जो कि आपको Y33T में देखने को मिली थी, और हाँ कलर भी वही गोल्डन चिपका दिया गया जो कि आपको उसमें देखने को मिला था, और वैसे ही फ्लैट फ्रेम प्रोवाइड किए गए। कोई भी मेजर अपग्रेड मुझे देखने को नहीं मिला, और वीवो करता भी ऐसे है, या तो पिछले जो बहन भाई होते हैं ना उनके भाई जो डिस्प्लेज होते हैं वो चिपका देता है, कभी डिज़ाइन चिपका देता है, तो ऐसे ही डिस्प्ले अभी भी वीवो का वो 60Hz का AMOLED वीवो S1 से चल के अभी तक भी काफ़ी स्मार्टफोन में अभी भी पाकिस्तान में लॉन्च कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी अभी भी 60Hz का वही AMOLED डिस्प्ले लॉन्च कर रहा है वीवो काफ़ी स्मार्टफोन में। डिस्प्ले से याद आया, स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच का एक IPS डिस्प्ले दिया जाएगा जो कि V-Notch का आता है। भाई ये अभी भी वही पुराने डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहे हैं, भाई कम से कम पंच होल कटआउट तो प्रोवाइड कर दो। साथ में आपको 60Hz का IPS डिस्प्ले है, भाई इससे अच्छा 120Hz 90Hz कुछ तो आपको हाई रिफ्रेश रेट तो प्रोवाइड किया जाता है ना। IPS डिस्प्ले तो हाई रिफ्रेश रेट तो होना चाहिए ना, तो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ होती है ना इस फोन में प्रोवाइड नहीं किएगी। बाकी देखा जाए ना तो स्मार्टफोन में वही आपको प्रोसेसर दिया गया जो कि स्नैपड्रैगन 680 आता है। हाँ इस बार जो आपको सेलिंग पॉइंट बताए जाएंगे ना उनमें सबसे पहला 256GB स्टोरेज बनाई जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा टीज़ की जा रही है कि इसमें 256GB आपको स्टोरेज प्रोवाइड की जाएगी। साथ में 44W की फास्ट चार्जिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी जो पिछला आया था Y33T उसमें आपको साथ में 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिली, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब पता नहीं भाई इन कंपनियों को पता नहीं हमसे क्या चाहिए, या तो ये हमसे बेइज्जती करवाना चाहते हैं, या तो इनको अपने मोबाइल फ़ोन की कोई कदर नहीं है, या फिर अपने ब्रांड का नाम ख़राब करना चाहते हैं। पता नहीं किस लिहाज से मोबाइल फ़ोन ऐसे बनाकर मार्केट में लॉन्च करते हैं। अब कैमरा ही देख लो भाई, 50MP का बैक कैमरा दिए गए, साथ में 2-2MP के डेप्थ मैक्रो सेंसर डाल दिए हैं। भाई इस प्राइस टाइम में जिस प्राइस टाइम में ये आएगा अल्ट्रावाइड कैमरा तो डालना चाहिए ना। अब ज़रूरत है अल्ट्रावाइड कैमरा की, पहले वैसे यूज़ तो कोई नहीं करता, लेकिन अल्ट्रावाइड कैमरा एक एक्स्ट्रा चीज़ बन जाती है कि अगर आपको कहीं जाकर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। साथ में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, तो इससे अच्छा वीवो का V23e है जिसमें आपको 50MP का फ्रंट कैमरा और 64MP का बैक कैमरा, साथ में एक अल्ट्रावाइड कैमरा भी देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो कैमरा ज़्यादा बेटर है। तो ये वाई सीरीज में इनको क्या होता है अच्छे आपको डिस्प्ले और अच्छे कैमरास देने में, पता नहीं इनको क्या मौत पड़ती है। बॉडी स्मार्टफोन में आपको करोला वाला दी गई, लेकिन इंजन आपको मेहरान वाला दिया गया। स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर है जो कि किसी भी लिहाज से वो जो 50,000 वाला फ़ोन होता है ना उसको डिजर्व नहीं करता। 50,000 में मिनिमम ना स्नैपड्रैगन का कोई 700 का प्रोसेसर आना चाहिए, चाहे वो पुराना स्नैपड्रैगन 732G ही क्यों ना हो। अब वीवो पाकिस्तान स्मार्टफोन को जब पाकिस्तान में लॉन्च करेगा ना तो इस स्मार्टफोन के जो हाइलाइटेड पॉइंट मैंने आपको बताया ना वही आपको बताए जाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल में चीज़ होती है ना वो आपको नहीं बताई जाएगी कि ये स्मार्टफोन चलने में कैसा है, इसमें प्रोसेसर कौन सा लगाया गया। ज़्यादातर वीवो अपने पास डिज़ाइन को फोकस करता है, या फिर एक दो पॉइंट जो होते हैं ना जिसमें ज़्यादा अब इसमें 44W की फास्ट चार्जिंग है वो मेंशन किया जाएगा, साथ में 256GB की स्टोरेज है उसको मेंशन किया जाएगा, लेकिन इसके प्रोसेसर को हाईलाइट नहीं किया जाएगा। और इसमें बताया जा रहा है कि आपको 8GB रैम देखने को मिलेगी, साथ में 8GB रैम का एक्सटेंशन देखने को मिलेगी, एक्सटेंड कर सकते हो आप रैम। पहले हम मैक्सिमम 4GB 5GB कर सकते, तो आप 8GB के साथ में 8GB एक्सटेंडेड रैम का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब 16GB रैम को इसको भी प्रमोट किया जाएगा कि स्मार्टफोन में 16GB रैम आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी अगर प्राइस की बात करें तो सबसे पहले जो Y33T अभी पाकिस्तान में अवेलेबल है वो 48,000 से 49,000 के आपको प्राइस टैग में देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन तो भाई उसका भी भाई होने वाला है, बड़ा भाई होने वाला ना, तो चीज़ें तो अपग्रेड की गई ना वीवो के मुताबिक, तो इस स्मार्टफोन की प्राइस 55,000 से 60,000 के अराउंड जा सकती है जैसे अब डॉलर प्राइसेस पाकिस्तान में चल रही है। और लॉन्च डेट की बात करें तो कहा जा रहा है कि 3 महीने बाद पाकिस्तान में इंपोर्ट उठेगी, जब तब आपको मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो अभी सारा जो ये मोबाइल फ़ोन वाला सिस्टम है सब कुछ बंद हुआ है, जितने लोगों के रोज़गार जुड़े हुए थे, जितनी शॉप थी भाई सबको सन्नाटा छाया हुआ है, वहाँ पर आपको कोई भी स्मार्टफोन जो भी पड़े हैं ना लोगों के पास वो ब्लैक में दे रहे हैं। अगर वो स्मार्टफोन 40,000 का है तो वो आपको 40,000 के देखने को मिल रहा है, फ्लैट प्राइसिंग में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई भी डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। हालांकि मैंने काफ़ी सारे टेक्नो के इन्फिनिक्स के भी फ़ोन देखे जो कि फ्लैट प्राइसिंग पर लोग खरीद रहे हैं, 30,000 के फ़ोन
पैंतालीस पैंतालीस 40,000 में बेचे जा रहे हैं। तो ये वाली ब्लैक मार्केट पाकिस्तान में चल रही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।